उस राक्षस की दुश्मनी आपके परिवार से है। आप दोनों की दुश्मनी की वजह से गांव वाले मारे गए। नहीं साहब, उस राक्षस का कोप बर्दाश्त नहीं होता, वो तो पूरे गांव को मार देगा। वाह सरपंच जी वाह, यहाँ जिसे देखो अपना ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ने में लगा। अरे गांव आपका है, राक्षस आपके गांव में आया था और इल्जाम हम पर लगा रहे हैं आप। हमने तो अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया है, उस राक्षस को मारा है हमने। वो वापस आ गए ना बड़े साहब, मेरे भाई को मार डाला, अब और किसी को मरने नहीं देंगे। आप जानो आपका राक्षस जाने। हाँ हाँ, हमने तो इनवाइट किया है ना उसे, हमारा चीफ गेस्ट है ना वो राक्षस। हाँ डैड, आप एक बार तो पैसे फेंको इन लोगों पे, देखो कैसे बोलती बंद होती है इन लोगों। और तुम लोग शुक्र मनाओ इनका, मामा जी का, जो अब भी इस गांव में तुम लोगों के मसीहा बने बैठे हैं, समझे? आपके मामा जी का बहुत बड़ा एहसान है हम पर, हम इनका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकते। अगर एहसान के बदले मौत, नहीं साहब, इतनी भारी कीमत हम नहीं चुका सकते। हमारी उम्र हो चुकी है, एक ही बेटा है, भगवान ना करे कल को इसे कुछ हो गया तो आपका ये पैसा हमारे कुछ काम नहीं आएगा। सरपंच जी, आप लोग इस राक्षस की टेंशन मत लीजिए, ठीक है? हम उसे मारे बिना यहां से जाएंगे नहीं। हमसे पहले किसी ने उसे मारने की कोशिश की? नहीं ना, हमने की, एक बार नहीं बार बार की, अपनी जान जोखिम में डालकर। और लाखन, तुमने अपने भाई को खोया ना, हमने अपनी बहन खोई है, फिर ऐसे रह क्यों करें आप लोग? हम जानते हैं साहब, हमें भी दुख है इस बात का, लेकिन हम और लोगों को नहीं खो सकते साहब। माफ करना साहब, बहुत जी लिए, बहुत मर लिए, अब जीना मरना हमसे नहीं होगा। नहीं होगा, सुना डैड? इन लोगों से नहीं होगा। अरे नहीं होता तो जाओ ना यार यहाँ से, वो गई चाहिए आपकी मदद। बस हो नीज यू। नहीं डैड, हम अकेले निपट लेंगे उस राक्षस से। योग बस। अरे डैड यार, ये लो। बस बस, मोहिनी तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगी। ओके, रुक जाओ। चिंदी मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ो। मैं कहा मेरा हाथ छोड़ो। नहीं चिंदी, मुझे गुस्सा आएगा, मैं कुछ कर बैठूं, हटो। मैं जाती हूँ। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यस जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो, रोशनी यस ही जोकर, लिसन टू मी डैम इट, यश तो जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना? पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निकल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून खून के बदले कौन? पर मां साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया,
तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाएगा।